हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो जो पिछला वीडियो मेरा टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए मैं बहुत ही आपका सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जुपिटर मार्केट में दो मॉडल अवेलेबल है, एक है जो पुराना वाला आता था वो 110 सीसी वाला, और दूसरा हमारा 125 सीसी वाला जो अभी कंपनी ने नया लॉन्च किया है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो है। तो मैं दोनों स्कूटर हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों के कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, दोनों के प्राइसिंग क्या है, दोनों इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, और साथ में दोनों में क्या छोटा मोटा चेंज है, क्या कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ए टू जेड पूरा डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज मैं आया हूँ आगवन टीवीएस गांधीनगर। तो यहाँ पे आपके सामने दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा है 110 सीसी वाला टीवीएस जुपिटर, जो कि BS6 मॉडल ही है, और ये वाला हमारा है टीवीएस जुपिटर 125 सीसी वाला, जो फ़िलहाल ही कंपनी ने नया लॉन्च किया है। तो आप देखिए, पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या बड़े चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले पुराने वाले में चलते हैं, तो सबसे बड़ा चेंज आपको हेडलैम्प में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडलैम्प थोड़ा छोटा साइज़ का आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे चलते हुए तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प थोड़ा वाइड देखने को मिलेगा, तो नाइट राइड में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो साइड इंडिकेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े ब्रॉड है, और यहाँ पे ये देख सकते हो कि थोड़ा गार्निशिंग भी देखने को मिल रहा है दोनों तरफ। और यहाँ पे देखते हुए तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे जो साइड इंडिकेशन है वो नॉर्मल है, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। सेंटर में TVS का लोगो सेम इट इज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ओके। और अभी नीचे चलते हुए तो दोनों मॉडल आपको डिस्क ब्रेक के बिना ही मिलने वाले हैं, दोनों बेसिक मॉडल है, तो यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। दोनों में आपको टायर साइज़ वगैरह सेम है, दोनों ड्रम ब्रेक के साथ ही मिलने वाली है, लेकिन इस मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक वाला भी मॉडल अवेलेबल है 125 सीसी में, और अगर आपको पुरानी वाली जुपिटर लेनी है तो उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक वाला मॉडल ज़रूर अवेलेबल है। तो दोनों सेम है, और कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे मीटर में आपको देखने को मिला, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, तो यहाँ से ऑन करते हुए तो आप देख सकते हो कि जो पुरानी वाली हमारी TVS जुपिटर है उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिजिटली कुछ भी नहीं दिखाएगा, आपको यहाँ पे एनालॉग और ओडोमीटर में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको बड़ा सा डायल देखने को मिलेगा जो स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे पेट्रोल इंडिकेशन है, यहाँ पे लो फ्यूल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे इको मोड, यहाँ पे पावर दोनों आप चलता है वही, और यहाँ पे इंजन चेक लाइट है। तो और इस तरह से आप अपने साइड लाइट इंडिकेशन करोगे तो यहाँ दोनों तरफ ये दिखाएगा वो है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है हमारे नॉर्मल वाले मॉडल में। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा, काफ़ी वाइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्पीड है वो आप एनालॉग में देख सकते हो, और जो बाकी के फंक्शनिंग है छोटा सा डिस्प्ले जैसा दिया हुआ है उसमें से देख सकते हो। तो डिस्प्ले में आप अपना टाइम देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी देख सकते हो, फ्यूल इंडिकेशन डिजिटली देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन देख सकते हो, जैसे कि लो फ्यूल नोटिफिकेशन, इंजन चेक लाइट है, और एक और फीचर्स इसमें एड ऑन किया है सेफ्टी वाला कंपनी ने, कि अगर आपका साइड स्टैंड अगर लगा हुआ होगा तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाएगा, और एक बीप का साउंड भी आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जब भी साइड स्टैंड लगा होगा तो आप स्कूटी अपना चालू नहीं कर सकते हो, तो वो एक एडिशनल फीचर्स यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा दे रखा है। बाकी हैंडल बार वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पुराने वाले में आपको ये जो लॉक सेट है उसमें भी आपको इसी तरह का लॉक सेट देखने को मिलेगा। आप यहीं से सारा फंक्शनिंग ऑपरेट कर सकते हो, सीट ओपन करना है या तो फिर फ्यूल टैंक ओपन करना है तो यहीं से होगा। ये सिंपल अभी ऑफ कंडीशन में है, तो इस तरफ करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिर अगर आप ये ऑफ कंडीशन में है
तो अगर आप इसको पुश करके ऑन करते हो तो हमारा फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा, और तो अगर आपको सीट ओपन करनी है तो ये ऑफ कंडीशन में है, तो खाली इस तरफ घुमाना है, तो ये हमारा सीट ओपन हो गया है। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे TVS की तरफ से देखने को मिल रहा है, और साथ में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलेगा, तो USB चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा है जहाँ पर अपना आप मोबाइल रख सकते हो, और यहाँ पे एक हुक है तो आप अपना बैग वगैरह लटका सकते हो, और काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे अगर मैं नए स्कूटी में 125cc में अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल टैंक भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको यहाँ पे आगे ही फ्यूल टैंक है, आपको पीछे कुछ नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लॉक सेट उसी तरह से है, अगर आप ऑफ कंडीशन में है ऑन करते हो तो हमारा स्कूटी ऑन हो जाएगा, अगर एक बार पुश करते हो और ऑन की तरफ चलते हो तो आपका फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा, और ऑफ कंडीशन में है और आप इस तरफ घुमाते हो तो आपका सीट ओपन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ पे लॉक सेट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इसमें आपको बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है जो नया स्कूटी है हमारा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देखिए यहाँ पे जो फ्यूल टैंक आता था जो पुरानी वाली में, वो निकल गया है, यहाँ पे फ्यूल टैंक आता है, यहाँ से उसका फिलअप करने का है, तो ये पूरा पोर्शन इसमें निकल गया है। आप देखिए कि बहुत ही बड़ा बूट स्पेस इसमें है, आप दो हेलमेट बड़ी आराम से रख सकते हो, और यहाँ पे आपको सिंगल हेलमेट का ही स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे ये जो फ्यूल टैंक था पूरा वो आगे शिफ्ट हो गया है इसके लिए। तो अब देखिए इसमें कितना सारा स्पेस मिल रहा है और इसमें थोड़ा कम मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पीछे से बात करते हुए तो यहाँ पर पीछे आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक नहीं है तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ तो आपको इसमें नॉर्मल टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, साथ में टर्न इंडिकेशन दोनों तरफ, और यहाँ पे चलते हुए तो बहुत ही खूबसूरत और शार्प डिज़ाइन वाले टेल लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए कि टर्न इंडिकेशन का भी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। दोनों में आप कंपेरिज़न समझ रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पुराने वाले मॉडल में आप देखते हुए तो यहाँ पे आपको एक जुपिटर का 3D एम्बोजिंग वाला पूरा देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे एक फुटपैक भी देखने को मिलेगा, और किक स्टार्ट देखने को मिलेगा, और साइड स्टैंड मेन स्टैंड। और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जुपिटर 125cc में, आपको यहाँ पे जुपिटर 125cc बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको फुटपैक नहीं मिलेगा, और साथ में आपको किक स्टार्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पूरा ये हो गया है कि किक स्टार्ट क्यों नहीं दे रही है कंपनी, तो आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे आपको एक और फुटपैक देखने को मिलेगा पिलियन के लिए, साइड स्टैंड मेन स्टैंड। तो जी हाँ, ये वाली आपको जो मैंने दिखाई स्कूटी 125cc में आपको किक स्टार्ट नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू हो गया है अभी मार्केट में, क्योंकि ये किक स्टार्ट क्यों नहीं दे रही है कंपनी। तो अगर सब लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर हमारा स्कूटी अगर बैटरी से शुरू नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ, तो फिलहाल कंपनी ने तो ये मॉडल में तो आप किक स्टार्ट किक नहीं डलवा सकते हो, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि आफ्टर दिवाली के बाद एक और नया मॉडल 125cc में आ रहा है जो किक स्टार्ट के साथ आएगा। तो ये वो मतलब इतना ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए कोई घबराने की वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, आप निश्चिंत रहिए। और किक नहीं दिया है तो कंपनी ने कुछ सोच समझकर ही नहीं दिया होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा इसीलिए नहीं दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, बाद में ये सब कुछ डिसाइड होता है कि क्या देना है कस्टमर को और क्या नहीं देना है, तो इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए और भी आगे बात करते हैं कि क्या चेंज है क्या नहीं है। और एक चेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सस्पेंशन है वो ये हमारी जो नॉर्मल स्कूटी जो जुपिटर पहले वाली आती थी उसमें नॉर्मल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, और जो हमारी 125cc आई हुई है उसमें आपको गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इस स्कूटी में।
तो आपको TVS Jupiter जो 125cc है वो आपको अभी चार कलर में अवेलेबल है, लेकिन अभी सभी जगहों पे कोई कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलने नहीं वाले क्योंकि अभी बहुत ही शॉर्टेज हो गई है स्कूटी की। इसके लिए आपको ये 125cc है वो चार कलर में अवेलेबल है, और जो 110cc है वो हमारा पांच कलर में अवेलेबल है ये, लेकिन ये आपको ऑन स्टॉक सभी जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मैं टायर्स वगैरह की बात करूँ तो दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है, दोनों में आपको 12 इंच के टायर होगा, तो टायर्स वगैरह में कोई चेंज नहीं है। सस्पेंशन आगे के दोनों आपको टेलीस्कोपिक की ही मिलने वाले हैं, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलेगा, इसमें आपको डिजिटल मिलेगा। और दूसरा बड़ा चेंज ये कि यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे आ गया है जो नया स्कूटी है हमारा, और जो पुराना वाला है उसमें आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिलेगा। और अगर और चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसका जो बूट स्पेस आप बोल सकते हो, इसमें छोटा बूट स्पेस है, एक ही हेलमेट रख सकते हो। इसमें बड़ा बूट स्पेस है जो नया वाला है, उसमें आप दो हेलमेट रख सकते हो। और ये जो नॉर्मल हमारा 110cc वाला फ्यूल टैंक है वो आपको फाइबर बॉडी में आता था फ्यूल टैंक, और ये 125cc में आपको मेटालिक बॉडी में फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, तो वो उतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन तो अभी मैंने बता दिया आपको। और कॉस्मेटिक छोटे मोटे चेंज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। स्कूटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मार्केट में अभी एक्टिवा को बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है ये स्कूटी। अब देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एरोडायनेमिक कट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, जो क्वालिटी वगैरह है बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, जो लीवर्स वगैरह है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ओवरऑल स्कूटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको 110cc में जाना है तो आप ये ले सकते हो, अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए तो आप ये 125cc भी ले सकते हो। माइलेज में दोनों में अंतर रहेगा आपको, ये जो रहेगा 110cc वाला वो आपको 55 तक माइलेज मिल जाएगी, और ये जो 125cc वाला होगा उसमें आपको 45 प्लस का माइलेज मिलेगा। तो माइलेज ज़रूर ड्रॉप होगा लेकिन पावर ज़रूर अप होगा, आप ले सकते हो आपको जो पसंद आए। काफ़ी अच्छा स्कूटी है, मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे गांधीनगर ऑन रोड प्राइसिंग है 110cc का है वो करीब 90,000 के आसपास का है, उसमें आपको एसेसरी आ गया है इंक्लूडिंग है। और जो हमारा नया मॉडल आया हुआ है 125cc वाला जो जुपिटर वाला, उसका प्राइसिंग भी 90,000 to 91,000 का है, उसमें आपको लेकिन एसेसरी इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल कंपनी से यहाँ कहीं पर भी आपको एसेसरी नहीं मिल रही है। तो ऑलमोस्ट दोनों के प्राइसिंग सेम है, लेकिन दोनों में 3,000 to 4,000 रुपये का आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। बेसिक मॉडल, दोनों के बेसिक मॉडल की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो स्कूटी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हो। अगर आप गांधीनगर गुजरात में कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप जा सकते हो आगवन TVS, जो आपके नज़दीकी शहरों में अवेलेबल है, पालनपुर है, मोड़ासा है, गांधीनगर, अहमदाबाद, कूड़ासन, कहीं पर भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। आप टेस्ट राइड वगैरह भी ले सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइनेंस स्कीम वगैरह भी अवेलेबल है, तो ज़रूर मिल जाएगी। और साथ में काफ़ी अच्छा है, आप सर्विस स्टेशन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा एक ही सेटअप एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो काफ़ी अच्छा है। TVS का बेहतरीन, ज़्यादा से भी ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिलेगा काफ़ी अच्छा है। तो बस इतना ही है, वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए मिलते रहेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।